और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें गृह सचिव राजीव महर्षि, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी के प्रमुखों सहित शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। सूत्रों का कहना है कि एनएसए बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पूरे सुरक्षा परिदृश्य से अवगत करा सकते हैं। गौरतलब है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। घाटी में सुरक्षा बलों की गोली से दो दिनों में 7 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद हिंसा में अब तक 65 लोग मारे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक घाटी में हुई ताजा 4 मौतों में 2 बड़गाम इलाके में हुई है। बता दें कि अलगावादी पहले ही 18 अगस्त तक कश्मीर बंद बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि बैंक, डाकघर और सभी सरकारी कार्यालयों में संचालन जारी है। घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू और प्रतिबंध लगे हुए हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। उन्होंने आतंकवाद के मसले पर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस नीति का वह खामियाजा खुद भुगत रहा है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सोमवार को बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को स्वतंत्र कराने की वकालत के बाद परिकर का ये बयान आया है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए जब राजनाथ सिंह इस्लामाबाद गए थे तो पाकिस्तान का रवैया सहयोगात्मक नहीं था। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रमोद कुमार ने उस दिन शहादत दी जिस दिन देश 70वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकियों ने श्रीनगर के नोहटा इलाके में हमला किया, वहां सीआरपीएफ से उनकी मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 2 को अकेले प्रमोद कुमार ने ढेर किया। उसके बाद उन्हें आतंकी की गोली लग गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने एमबीबीएस डॉक्टर अधिक अंक के हकदार है, लिहाजा उन्होंने पीजी पाठ्यक्रम में दाखिले के दौरान 30% अधिक अंक दिया जाए। कोर्ट ने इससे पहले ग्रामीण भारत में काम कर रहे डॉक्टरों को मेडिसिन के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए हर साल 10% अधिक अंक देने की बात कही थी। सेना ने जम्मू कश्मीर में पैलेट गन की जगह पारा मिलिट्री फोर्स को कम घातक साउंड कैनन, कीपर शॉटगन और मिर्च पाउडर ग्रेनेड इस्तेमाल करने की सलाह दी है। केंद्र द्वारा बनाई गई पैलेट गन को लेकर समीक्षा करने वाली समिति को इस मामले में सलाह दी गई है। पैलेट गन के कारण बड़ी संख्या में विरोध करने वाले घायल हुए हैं, खासतौर पर इससे बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके बाद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की मांग उठी थी जो घातक ना हो। सेना ने आवाज करने वाले हथियार मिर्च का बौछार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल किए जाने की सलाह दी है। आवाज करने वाले हथियारों का इस्तेमाल सेना और पुलिस द्वारा कई देशों में किया जाता है। सेना ने कल कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 5 आतंकवादियों को मार गिराया। उधर नोटा क्षेत्र में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी शहीद हो गया, जबकि 9 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। सेना के एक अधिकारी ने कहा, चौकस सैनिकों ने कश्मीर के बारामुल्ला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सोमवार सुबह कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसका सैनिकों ने जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि 3 अन्य बाद में मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह और 2 समुदाय के बीच शत्रुता फैलाने को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एमनेस्टी इंडिया की ओर से 13 अगस्त को एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में कुछ छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाने के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी बुरहान वानी को अपना हीरो बताया था। इस दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे जांच की जाएगी। सेमिनार में कश्मीरी पंडित नेता ने भारतीय सेना की सराहना की। इसके विरोध में कश्मीर से आए कुछ स्टूडेंट्स का कश्मीरी पंडित नेता से बहस हो गई। स्टूडेंट्स ने कश्मीर की आजादी और भारतीय सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
राजनीति सरजमीन पर शायद ही पहले कभी ऐसा देखने को मिला हो जब एक प्रमुख दल का नेता अपने विपक्षी दल के झंडे को लहरा रहा हो। मध्य प्रदेश के सियासी दंगल में कल कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से जुड़ा है जो अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। बाबूलाल गौर विधायक आरिफ अखिल द्वारा आयोजित पैगाम ए मोहब्बत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। रैली की शुरुआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गौर ने कांग्रेस का झंडा हाथ में थामा और लहराने लगे। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह भी मौजूद थे। कांग्रेस का झंडा लहराते हुए गौर की तस्वीरें कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि झंडे के रंग के कारण गौर का ध्यान हाथ के निशान पर नहीं गया और वे उसे राष्ट्रध्वज समझ गए थे। अफजल अंसारी और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय दोबारा समाजवादी पार्टी में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद इस विलय को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए हैं। मुलायम को लगता है कि पूर्वांचल में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस फैसले में शिवपाल यादव की हनक भी साफ साफ दिखाई देती है जो इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले जून में मंत्री बलराम सिंह यादव की मध्यस्थता और शिवपाल सिंह यादव की पहल के बाद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कौमी एकता दल के विलय को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद अखिलेश की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस विलय को रद्द कर दिया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत लौट रहा है। इस बार वह खुद नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया से भारत में अपने घर आएगा। दरअसल दाऊद के भांजे अलीशा पारकर की शादी बुधवार को है। अपनी बहन हसीना पारकर के सबसे छोटे बेटे की शादी में दाऊद पाकिस्तान से स्काइप के माध्यम से हिस्सा लेगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में पारकर फैमिली ने शादी की लाइव देखने की व्यवस्था की है ताकि दाऊद अपने चहेते भतीजे की शादी में सीधे ना सही पर इंटरनेट के माध्यम से हिस्सा ले सके। पारकर परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक शादी के शाही इंतजाम किए गए हैं क्योंकि अलीशा अब हसीना का इकलौता जीवित बेटा है। उसके बड़े बेटे की 2006 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी जबकि अलीशा के बहन उमेरा की शादी पिछले साल मई में हुई थी। अलीशा की शादी बुधवार को दक्षिण मुंबई के रसूल मस्जिद में सुबह होगी जबकि जुहू स्थित ट्यूलिप होटल में उसी शाम एक भव्य आयोजन रखा गया है। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर अच्छी खबर आई है। पेट्रोल के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर और डीजल के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई कीमतें 15 अगस्त को रात 12 बजे से लागू हो गई है। 15 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई थी। तब पेट्रोल के दाम में 1.42 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल के मूल्य में 2.01 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। देश में तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दामों के आधार पर घरेलू तेल कीमतों में बदलाव करती है। रियो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक का मुकाबला हारने के बाद टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भावुक हो गई। इस दौरान उन्होंने इशारा किया कि ये उनका आखिरी ओलंपिक हो सकता है। सानिया को उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स डबल्स के मुकाबले में चेक गणराज्य की लूसी और राडेक की जोड़ी से 6-1, 7-5 से हार झेलनी पड़ी। सानिया 29 साल की हो चुकी है और लगातार चोटों का सामना करने के बाद भी वापसी करती रही है। मुकाबले के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, इस समय बात करना मुश्किल है, हमें ये मानना होगा और आगे बढ़ना होगा। उनकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। सानिया ने कहा, एक टेनिस खिलाड़ी के रूप में हम काफी भाग्यशाली हैं। हम सिनसिनाटी जाएंगे और वहां जीतने के लिए खेलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं था। रियो ओलंपिक के जिम्नास्टिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहने के बाद दीपा कर्माकर भले ही मुस्कुराती हुई नजर आई, लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे अपार दर्द छिपा था और खेलगांव लौटने के बाद वे अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। खेलगांव पहुंचने के बाद दीपा फूट फूट कर रोई। उसके कोच विश्वेश्वर नदी के लिए भी खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया था। कोच नंदी ने कहा, खेलगांव आने के बाद दीपा को संभालना मुश्किल हो गया था। मामूली अंतर से कांसे से चूकना हमारे लिए जिंदगी के सबसे बड़े खेत में से रहेगा। दीपा और उसके कोच पूरी शाम खेलगांव में एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहे। बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबलों में भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में खेले गए एक अहम मुकाबले में सिंधु ने 8वीं वरीयता प्राप्त चीनी टाइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी।
चीनी टाइपे की खिलाड़ी टाई जू यिंग के खिलाफ सिंधु ने जबरदस्त खेल दिखाया और पहला गेम आसानी से जीत लिया। सिंधु ने पहला गेम 19 मिनट में 21-13 से जीता। पहला गेम जीतने के बाद पीवी सिंधु के हौसले सातवें आसमान पर थे। उन्होंने दूसरे गेम में जबरदस्त खेल दिखाया। चीन टाइपे खिलाड़ी का एक ना चलने दी। उन्होंने दूसरा गेम 21-14 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला पूर्व नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी चीन की वांग झाखंड से होगा। बैडमिंटन में मेडल हासिल करने के लिए सिंधु को हर हाल में चीनी खिलाड़ी से पार पाना होगा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।